आज़ादी की हो तो जबलपुर और ज़िले में उस वक्त हुए घटनाक्रमों की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। आज़ादी के संघर्ष की अनूठी और साहसिक दास्तानों में ज़िले का एक छोटा सा गांव बूढ़ा घर भी शामिल है। गांधी जी अपने जीवन काल में 4 बार जबलपुर आए हैं। 1939 में तिलवारा में हुए अधिवेशन के बाद भेड़ाघाट में समनगरी में सौंदर्य का दीदार भी किया है। फिर सिहोरा तहसील के बूढ़ा ग्राम में कुछ दिनों तक रुके और वहां पर रुककर लोगों को आज़ादी की सांस का महत्व बताया। बूढ़ाघर के लोग आज भी गांधी ग्राम के नाम से जाने जाते हैं। जबलपुर से देखिए ये खास रिपोर्ट। जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर सिहोरा तहसील का गांधी ग्राम को पहले बूढ़ाघर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर राजेंद्र सिंह ब्यौहार की मालगुजारी चलती थी। 1933 को आज़ादी की अलग जगाने निकले महात्मा गांधी बूढ़ाघर गांव के एक पीपल की छांव तले रुक गए। इस बात की जानकारी गांव वालों को हुई तो वे बड़ी संख्या में महात्मा गांधी से मिलने पहुंचे। पीपल की छांव के नीचे चरखा चला रहे महात्मा गांधी को देखकर मालगुजार राजेंद्र सिंह ब्यौहार ने बूढ़ाघर गांव महात्मा गांधी को दान में दे दिया, जिसके बाद बूढ़ाघर का नाम बदलकर गांधी ग्राम कर दिया गया। गांधीग्राम में हर 2 अक्टूबर और 15 अगस्त को महात्मा गांधी की याद में तरह तरह के आयोजन कर नई पीढ़ी को यहाँ के लोग जागरूक करते हैं। पिछले 5 वर्ष पूर्व कांग्रेस की मानसिकता का जब सरपंच बना तो बड़े धूमधाम से हमने महात्मा गांधी जी की मूर्ति भी स्थापित किया और नई पीढ़ी को भी बताया कि ये गाँव जो है ये गांधी जी का गाँव है। अहिंसा का संदेश गांधी जी का बताया, गांधी जी के बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखाई कि आखिर गांधी कैसे थे और किस तरह से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमारे यहाँ 1933 में गांधी जी यहाँ आए थे। ये गांव हमारे यहाँ मालगुजारी था राजेंद्र सिंह ब्यौहार का। उसी टाइम पे गांधी जी राजेंद्र सिंह ब्यौहार जी के संगे आए थे तो वहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ चरखा चलाया। बगल में अपने ग्राम पंचायत के जस्ट सामने चरखा चलाया। उसी टाइम पे गांधी जी के समय वो मालगुजार ने बोला दान पे दिया था और जब गांधी जी आए तो उसी में हम लोगों ने 15-20-25 साल बाद जब भी मौका मिला, हमारे साथ सुनीता मोहन चौरसिया सरपंच रहे, उसी टाइम पे हमने गांधी जी के मूर्ति की स्थापना करवाई जब सरपंच रहे। गांधी जी का इतिहास इस ग्राम में ये है, जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, गांधी जी देश को आज़ाद करने के लिए जगह जगह जन आंदोलन चल रहा था, गांधी जी की पदयात्रा चल रही थी, उस समय सन 1933 में गांधी जी का यहाँ गांधी ग्राम में पदार्पण हुआ। गांधी जी यहाँ रुके। सिरे क्षेत्र के बहुत सारे नागरिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो भी थे सब साथ में थे उनके। वर्तमान में उस समय जो यहाँ मालगुजार थे उन्होंने ये ग्राम गांधी ग्राम गांधी जी को तत्काल उसी समय दान में दे दिया था, तब से इस ग्राम का नाम गांधी ग्राम पड़ा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बाद शहर को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य महात्मा गांधी ने किया। बापू का शहर से गहरा नाता रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी 4 बार शहर आए और अपने जीवन के 8 महत्वपूर्ण दिन यहां बिताए। जबलपुर में महात्मा गांधी से जुड़ी बहुत सारी यादें और उनसे जुड़ी धरोहरों से सजी संस्कार धानी में आज भी लोग आज़ादी के दिनों को याद कर अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। INS 24/7 के लिए जबलपुर से फतेह सिंह की रिपोर्ट।